हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अमर हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। जो लोग सिर्फ भाग्य के सहारे रहते हैं वह कभी सफलता नहीं पा सकते। दोस्तों ये लाइनें हमारे महान एथलीट मिल्खा सिंह के द्वारा कही गई थी। दोस्तों पाकिस्तान के गोविंदपुरम में जन्मे मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन में ही भारत पाकिस्तान बंटवारे का दर्द और अपनों को खोने का गम उन्हें उम्र पर सताता रहा। दोस्तों उन्होंने 80 अंतर्राष्ट्रीय दौड़ों में से 77 दौड़े जीती है, लेकिन रोम ओलंपिक का मेडल हाथ से जाने का गम उन्हें जीवन भर सताता रहा। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने जीते जी किसी भारतीय खिलाड़ी के हाथों में ओलंपिक मेडल देखे, लेकिन अफसोस दोस्तों उनकी अंतिम इच्छा उनके जीते जी पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों धावक बनने से पहले उनकी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। उनका जन्म दोस्तों 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में एक सिख राठौर परिवार में हुआ था। वे अपने माँ बाप के कुल 15 संतानों में से एक थे और दोस्तों उनके कई भाई बहनों की मौत तो छोटी सी उम्र में ही हो गई थी। बंटवारे की आग में उन्होंने माता पिता, एक भाई और अपनी दो बहनों को सामने जलते हुए देखा था। दोस्तों उन्होंने सेना के अंदर भर्ती हुए तथा वहां से उन्होंने एक तेज धावक का खिताब जीता। दोस्तों आज मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, तो कुछ टाइम उनके लिए मौन रखिए और हम विनती करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनको नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे देश का नाम इतना अच्छा रोशन किया। तो दोस्तों आप भी मिल्खा सिंह के लिए अपने इमोशन प्रकट कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके रिप जरूर लिखें सिर्फ हमारे इस एथलीट महान एथलीट के लिए।